असल में तो भैया पैरेट और कराची के अंदर टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्यूरीज आती रहती हैं कि इस वक्त कौन सा ऐसा एरिया है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, उसमें शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है भैरेटॉन के अंदर उन दोस्तों के लिए जिनका बजट जो है वो तकरीबन 60 से 70 लाख 75 लाख तक है और वो जो 4 से 6 महीने या मैक्सिमम 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही आइडियल अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वक्त 250 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं प्रीसेंट 47 और 48, ये उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बेसिकली पैराडाइज के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का फ्लो भी नहीं था और ये पैराडाइज का नाम जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूटेड एरिया की वजह से काफ़ी बदनाम रहा था। इस वजह से लोगों का इस तरफ जो रुझान बहुत कम था, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो आउट ऑफ बाउंड्री हैं या डिस्प्यूटेड लैंड है वो अलग है और हम जब भी जिक्र कर रहे होते तो डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी का और उस एरिया का जिक्र कर रहे होते हैं जो क्लियर भी है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी कंप्लीट है और पोजेशन के लिए भी रेडी है। ये जो एरिया है प्रेजेंट 47, 48 और इवन 49, मेन गेट से डिस्टेंस को देखें तो ऑलमोस्ट वही डिस्टेंस बनता है जो प्रेजेंट 16 का है, प्रेजेंट 6 का, 8 का, थोड़ी बहुत फ़र्क है। फिर इनका जो व्यू बनता है वो बहुत ज़बरदस्त है, जना आदमी को बिल्कुल साथ ही पड़ता है और सामने ग्रैंड मास्क और बड़ा आइडियल इसकी लोकेशन बनती है। आज यहाँ की अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो तकरीबन 60 लाख से 70 लाख तक, इवन 75 लाख तक मैक्सिमम आपको एक जनरल अच्छा रिजनेबल प्लॉट मिल जाता है। इसके कंपैरिजन में जो अल्टरनेट ऑप्शंस आती हैं वो प्रेजेंट 6 आता है, 8 आता है और 16 आता है। अभी जो ये तीन प्रेजेंट हैं जो ओल्ड बीटीके में आते हैं, यहाँ पर जो इस वक्त प्लॉट्स की प्राइसेज हैं वो 1 करोड़ से ऊपर एक अच्छे रिजनेबल प्लॉट्स की प्राइसेज हैं और इनके बिल्कुल साथ आलमोस्ट इसी डिस्टेंस का, इसी लोकेशन का अगर हम प्रेजेंट देखते हैं जो मैंने पैराडाइज के प्रेजेंट का जिक्र किया तो वहाँ आपको वो को कम अज़ कम 30-35 लाख सस्ता प्लॉट मिल रहा है। और ये जो सस्ता प्लॉट है अब इसमें लोगों का रुझान बढ़ रहा है और इस तरफ बहुत ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और यहाँ पे अपने घर बनाने के लिए भी प्लॉट्स ले रहे हैं क्योंकि ये लोकेशन बहुत अच्छी है। डिफरेंस मैंने शुरू में बता दिया, रीज़न बता दी कि यहाँ पर प्राइसेस क्यों कम थी, लेकिन अभी जो ट्रेंड है, जो फ्लो है, इसको देखते हुए ये बहुत आप सेफ साइड कह सकते हैं कि अगले साल इंशाल्लाह जून से पहले पहले यहाँ पे जो प्राइसेस हैं ये 1 करोड़ को क्रॉस करती नज़र आ रही है। ये जो हम प्राइस या एनालिसिस बता रहे थे, डेफिनेटली इसके पीछे एक हमारी पूरी वर्किंग होती है, एक पूरा इसके ऊपर स्टडी होती है, मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं या जो क्यूरीज आ रही होती हैं हमें कस्टमर की तरफ से या जो एनालिसिस हो रहे होते हैं या जो लोग हमसे मशवरा ले रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो ट्रेंड है उसको देखते हुए फिर उस ट्रेंड की बेस पे उसी लेवल के बाकी प्रेजेंट का जो स्टडी होती है उसकी बेस पे हम किसी चीज़ को एनालाइज कर पा रहे थे। इससे पहले भी इस्लाम स्टेट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज़ की फ्यूचर के लिए ट्रेंड की बेस पे कुछ एक्सपेक्टेशन जो हैं वो शेयर की हैं। आप वो लोग जो हमारे रेगुलर विजिटर हैं या रेगुलर हमारे साथ इन टच हैं वो इसको बखूबी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमने ये चीज़ें शेयर की हैं या फ्यूचर फोरकास्ट पे बात हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आलमोस्ट सारी उसी तरह ही पूरी है। तो आप इसको भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा कि इस वक्त 47 और 48 250 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी में और 60 से 75 लाख की प्राइस रेंज में आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके ऊपर ज़रूर वर्क कर सकते हैं। इस्लाम स्टेट की टीम भी आपको इस सिलसिले में असिस्ट करने के लिए अवेलेबल रहेगी इंशाल्लाह। फर्दर डिटेल्स के लिए और अपडेट्स के लिए इस्लाम स्टेट के साथ रब्ते में रहिएगा। थैंक यू सो मच।